पुरुषों के लिए नारियल पानी का सेवन करना क्यों फायदेमंद बताया जाता है, और खासतौर पर पुरुषों के लिए क्यों बताया जाता है? क्योंकि नारियल पानी, देखिए, गर्मियों के समय इसका इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा लाभदायक तो माना जाता है कि भाई इससे बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, पानी की कमी नहीं होती है, और पेट भी भरता है, पानी का काम करता है, बॉडी में गर्मी जो होती है वो निकलती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हर पुरुष नहीं जानता है इस नारियल के बारे में। नारियल पानी का महत्व हमारे बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पहले इसे काम उत्तेजक दवा के रूप में लेते थे, यानी शरीर में यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत से पुरुषों को कई तरह की डिसीज हो जाती है, और ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत हर तीसरा जो पुरुष है अपने गुप्त रोगों की, कोई ना कोई गुप्त रोग से परेशान है। एक ना एक गुप्त रोग उसको जरूर मिलता है। किसी को नाइट फॉल मिलता है, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मिलता है, किसी को प्रीमैच्योर एजैकुलेशन मिलता है, यानी कोई ना कोई रोग से वो पीड़ित है। किसी का स्पर्म काउंट कम है, तो एक ना एक रोग तो जरूर मिलेगा। लेकिन बात ऐसी है कि इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सी देसी दवाएं हैं, और मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको बताता भी हूँ। देखिए, इससे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, यानी अब जिस भी अंग में ब्लड फ्लो कम होता है उस अंग का धीरे धीरे, मतलब एक्टिव जो रहता है ना वो अंग, वो धीरे धीरे डिएक्टिव होता चला जाता है। बाल हो, चाहे स्किन हो, चाहे कोई भी अंग हो, उसी प्रकार आपका जो गुप्तांग होता है उसमें अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जाता है तो आपका उसमें प्रॉब्लम रहता है, यानी तनाव की प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हमारा ढीलापन रहता है, हमारा जल्दी झड़ जाता है, हम अपने स्त्री के आगे शर्मसार हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आप फेस कर रहे हैं ना, नारियल पानी अगर रोज़ाना एक नारियल पानी पीते हैं ना, इस चीज़ से भी आपको राहत मिलेगी, स्पर्म काउंट आपका बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें बहुत से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि आपकी ये जो कमियां हैं फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। और आजकल कई पुरुषों को यूटीआई जैसी प्रॉब्लम भी हो रही है, मूत्र मार्ग में जलन हो रही है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, बार बार आता है, तो ऐसे लोगों को भी इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन बहुत कम होता है, साथ के साथ इससे एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी, जिससे आपके अंदर जो आलसीपन है, आप अक्सर टूटे टूटे से रहते हैं, उस चीज़ से भी आपको राहत मिलती है, बॉडी में ठंडक देगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कि ये हमारे दिल के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, और अधिकतर जो पोटेशियम होता है वो हमारी बॉडी के लिए इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालता है। अब जिन भाई बहनों को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है उनके अंदर क्या होता है, सोडियम की मात्रा बढ़ती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने नमक खा खा के सोडियम बढ़ा लिया है, तो इससे फिर ब्लड प्रेशर आपका संतुलित रहता है। और साथ के साथ ये जो दिल है हमारा, क्योंकि ब्लड इसको पंप करता है, क्योंकि दिल हमारा ब्लड को पंप करता है, तो इससे दिल पर भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, दिल मजबूत रहता है, ब्लड वेसल्स में सुधार आता है, आपकी धमनियाँ ठीक रहती हैं, ठीक है, और आपका हार्ट पंपिंग ठीक होती है, दिल की धड़कनें कम होती हैं, जितना होना चाहिए उतनी रहती हैं, ठीक है। तो आपके सबसे बड़ा फ़ायदा आपके दिल को लेकर भी मिलता है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है।